सज़ा की बात आ गई, जैसे आपको सज़ा दी गई, कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, वैसे ही सलमान खान के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, जैसे उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर के फेवर में बात की थी। अगर सज़ा आपको मिलने के बाद उनको सज़ा ना मिले तो एक पार्शलिटी नहीं लगती? नहीं, मुझे किसी और से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरे, मैंने उनको टेलीविज़न पे सुना है, उन्होंने दो सेंटेंस बोले, मतलब अगर पूरी इंटरव्यू नहीं दिखाई तो मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा, देखो एक तो ये टेररिस्ट नहीं है, ठीक है, दूसरी चीज़ उसने कही कि इनके पास वैलिड वीज़ा है। फिर उसी दिन पुलिस का, जब प्रोटेस्ट शुरू हुई तो पुलिस का मैंने बयान पढ़ा, नीचे जो लाइन आती है टीवी पे, कि पुलिस ने कहा है कि जिस जिस के पास वैलिड वीज़ा है, प्रॉपर पेपर्स हैं, उन्हें घबराने की कोई चिंता नहीं है, उनकी सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं। अब अगर सरकार ये बोल रही है तो हम आप कौन होते हैं? दूसरी चीज़, प्रोटेस्ट करने टीवी पे चैनल का वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप भी वक्त ज़ाया कर रहे हो, बहुत सारी दूसरी चिंताएँ हैं। और अगर ऐसा करना है, शिवसेना बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में और ज़्यादातर हिंदुस्तान में, तो आप MNS हो, शिवसेना हो, यही हैं जो खिलाफ हैं इसके, तो आप जाइए सचिवालय के सामने, धरना लगाइए, अपने विधानसभा में बात कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए कि सर ये लागू करें। तो फिर एक सेकंड, अगर सरकार की एक भी स्टेटमेंट नहीं आई इसके बारे में, इसका मतलब सरकार की कोई स्ट्रेटजी है, उस पर भी मैं आता हूँ, तो एक घंटे में ये फैसला हो जाएगा। अगर सरकार ये कह दे कि साहब सिर्फ एक्टर्स नहीं, जितने भी पाकिस्तानी व्यापारी आए हैं यहाँ व्यापार करने, जितने भी पाकिस्तानी आए हैं अपने भाई बहनों से मिलने, प्लीज़ आप 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस चले जाइए, हम आपका वीज़ा खारिज करते हैं, ख़त्म हो गई बात। सड़कों पे चिल्लाने से क्या मतलब, कुछ निकला क्या? कुछ नहीं।